अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं उस इलाज की जानिब जिसे आपने अभी हमारे थंबनेल पर देखा है। जी हाँ, चलते हैं कहानी की जानिब। एक 55 साल शख्स डिप्रेशन का शिकार था। उसकी बीवी ने एक माहिर नफ्सियात से मुलाकात की। बीवी ने कहा, मेरा खामन शदीद डिप्रेशन में है, बराए करम मदद करें। डॉक्टर ने अपनी मशावरत शुरू की। उसने कुछ जाती बातें पूछी और इसकी बीवी को बाहर बैठने को कहा। साहब बोले, जो डिप्रेशन के इलाज के लिए गए थे, बोले मैं बहुत परेशान हूँ, दरअसल मैं परेशानियों से मगलूब हूँ। मुलाजमत का दबाव, बच्चों की तालीम और मुलाजमत का तनाव, होम लोन, कार लोन, मुझे कुछ पसंद नहीं। दुनिया मुझे पागल समझती है, लेकिन मेरे पास इतना सामान नहीं जितना के एक कारतूस में गोलियां। मैं बहुत उदास और परेशान हूँ। ये कहकर उसने अपनी पूरी जिंदगी की किताब डॉक्टर के सामने खोल दी। फिर डॉक्टर ने कुछ सोचा और पूछा कि आपने 10वीं जमात किस स्कूल में पढ़ी है। उस शख्स ने स्कूल का नाम बताया। डॉक्टर ने कहा, आपको इस स्कूल में जाना है, सबसे पहले फिर अपने स्कूल से आपको अपनी 10वीं जमात का रजिस्टर तलाश करना है और अपने साथियों के नाम तलाश करने हैं और उनकी मौजूदा खैरियत के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करनी है। एक डायरी में तमाम मालूमात लिखनी है और एक महीने के बाद मुझसे दोबारा मिलना है। वो शख्स अपने स्कूल गया, रजिस्टर ढूंढने में कामयाब रहा और उसे कॉपी करवाया। इसमें 120 नाम थे और उसने एक महीने में दिन रात कोशिश की, लेकिन वो बामुश्किल 75 हम जमातों के बारे में ही मालूमात जमा करने में कामयाब रहा। अब उसकी हैरत की इंतहा न रही। इन 75 में से भी 20 मर चुके थे, 7 रंडवे थे और 13 तलाक याफ्ता थे, 10 ऐसे निकले जो के बात करने के काबिल भी नहीं थे, 5 इतने गरीब निकले कि कोई उनका जवाब न दे सका, 6 इतने अमीर निकले कि उसे यकीन ही नहीं आया। कुछ कैंसर में मुब्तला थे, कुछ को फालिज था, डायबिटीज, दमा या दिल के मरीज थे, कुछ लोग बिस्तर पर थे जिनके हाथों, टांगों या रेड की हड्डी में चोटें आई थी, कुछ के बच्चे पागल, आवारा या बेकार निकले। एक जेल में था, एक शख्स 2 तलाक के बाद तीसरी शादी की तलाश में था। एक माह के अंदर 10वीं जमात का रजिस्टर अजियत बयान कर रहा था। डॉक्टर ने पूछा, अब बताओ तुम्हारा डिप्रेशन कैसा है। वो शख्स समझ गया कि उसे कोई मौजी बीमारी नहीं, वो भूखा नहीं, उसका दिमाग दुरुस्त है, उसे अदालत, पुलिस, वकला का कोई मसला नहीं, उसकी बीवी और बच्चे बहुत अच्छे और सेहतमंद हैं, वो खुद भी सेहतमंद है। इस शख्स को एहसास हुआ कि वाकई दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है और वो बहुत से अजियतनाक दुखों से महफूज है। दूसरों की प्लेटों में झांकने की आदत छोड़ें, अपनी प्लेट का खाना प्यार से लें तो यकीन माने आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दूसरों के साथ अपना मुआवजा ना करें। ये वो डिप्रेशन का इलाज था जो हम आपको बताना चाहते थे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको भी अपने स्कूल जाना चाहिए, 10वीं जमात का रजिस्टर लाना चाहिए, उसकी तस्दीक करनी चाहिए और अपने दोस्तों को मिलना चाहिए, उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए और ये जांचना चाहिए कि आज कौन किस हालात में है, तो आपका डिप्रेशन भी उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।